What is the excess pressure inside a bubble of soft solution of radius 5 mm given that the surface tension of a soft solution at the temperature is 2.5 into 10 to the power minus 2? If an air bubble of the same dimension were found at the depth of 40 cm inside a container containing the soft solution, what would be the pressure inside the bubble? Okay, तो यहाँ पे सबसे पहले एक बबल दे रखा है जो बाहर है, ठीक है। इसके अंदर क्या बोल रखा है, इन्होंने बोला एक्सेस प्रेशर कितना होगा फाइंड करना है, यानी ए सिचुएशन बोल रहा हूँ, ये बी सिचुएशन, यानी कि प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी फाइंड करना है, यही आपका एक्सेस प्रेशर होगा, ठीक है। वो कितना होता है, वो होता है 4s बाई आर। देखो मैं यहाँ 4s क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ दो सर्फेस है, ये एयर बबल है ना, तो अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है, तो दो सर्फेस हो गई, तो दो सर्फेस लिए 4s बाई आर होगा। और अगर यही एक एयर एक ही सर्फेस होती, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन भरा हुआ है और अंदर एयर बबल है, तो सिर्फ एक ही सरफेस है, तो यहाँ पे जो एक्सेस प्रेशर होगा ना, वो होगा 2s बाय r, राइट, 2s बाय r होगा, यानी ये ए सिचुएशन, ये बी सिचुएशन है, तो पी ए माइनस पी बी कितना होगा, 2s बाय r होगा। तो इसका पहले सॉल्व कर देते हैं, एक्सेस प्रेशर कितना होगा 4s, कितना है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, आर कितना है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया 20 पास्कल। 20 पास्कल क्या होगा, आपका एक्सेस प्रेशर होगा, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या बोला है कि ये एयर बबल जो बबल है वो 40 सेंटीमीटर नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर पूछा है ना अपने को, कौन सा प्रेशर पूछा, एयर बबल के इनसाइड इनसाइड प्रेशर कितना है वो पूछा है, राइट, यानी पी ए पूछा है। तो यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, पी बी प्लस 2s बाई आर लिख सकता हूँ, क्लियर है। ओके, तो यहाँ पर देखो पी बी कैसे निकालेंगे, पी बी क्या है, प्रेशर एट बी आ जाएगा, ये आएगा प्रेशर एट बी आएगा, एक तो एच रो जी आएगा, एच रो जी, और दूसरा आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन दोनों का समीशन होगा क्योंकि बी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हाइट कॉलम की वजह से आएगा और एक एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा हुआ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एच रो जी प्लस पी नॉट प्लस 2s बाई आर, राइट। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, एच कितना है अपना 40, यानी 0.4, डेंसिटी 1.2। अब देखो ये डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बोलूंगा तो 1.2 इनटू 10 की पावर 3 हो जाएगा, 10 की पावर 3 क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इनटू 10 की पावर 1.2 इनटू 10 की पावर 3। ओके, जी कितना है 9.8। ओके, ये आ गया प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1.01 इंटू 10 की पावर 5, और 2s बाय r कितना है, देखो 4s बाय r 20 है, तो 2s बाय r क्या होगा 10 होगा, इसको सॉल्व करेंगे दिया जाएगा 1.06 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, ये इनसाइड प्रेशर होगा, क्लियर है।